हे गाइस, कैसे आप लोग। 50 डीबी तक हाइब्रिड एएनजी का सपोर्ट, 5 माइक्स फॉर बेटर कॉल क्वालिटी, साथ में डुअल पेयरिंग, मैग्नेटिक ऑन ऑफ, ये सारा फीचर अगर आपको एक निक बैंड में मिले तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए? 2500, 3000 या फिर उससे भी ज्यादा। बट अगर मैं आपको कहूं कि ये सारा फीचर्स आपको 1800 रुपए के नीचे मिल रहा है तो शॉक हो जाएंगे ना। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंग प्राइस के साथ रिसेंटली CMF नेकबैंड प्रो को लॉन्च किया गया, जो कि नथिंग का एक सब ब्रांड है, ये जो CMF कंपनी है। एंड इसमें ये सारा फीचर्स मिल जाता है, साथ में और भी बहुत सारा फीचर्स है जो कि इस नेकबैंड को काफी ज्यादा यूनिक बनाता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस नेकबैंड प्रो के बारे में, बताएंगे आपको कि क्या इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। फीचर्स देने से ही भाई कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं कहलाता, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है या फिर कितना खराब है। लास्ट 2-3 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं, तो सारा चीजें मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है, सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके वीडियो में। तो अगर आप 2000 रुपए के अंदर एक नेकबैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हो और इसमें इंटरेस्टेड है तो वीडियो का आप अंत तक देखते रहे, आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और CMF की तरफ से हो या फिर नथिंग की तरफ से हो, ये पहला नेक बैंड है मतलब एज ए कंपनी का। तो अगर आप इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्ट वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस नेक बैंड प्रो के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑरेंज कलर के साथ परचेस किया था, आपको और भी 2 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिल जाता है, जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। सभी कलर का बेस्ट पैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कलर है ना ऑरेंज वाला, वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इससे पहले मैंने CMF बर्ड्स को भी ऑरेंज कलर के साथ ही परचेस किया था, तो सिमिलर सा ही कलर है, कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली इसका जो डिजाइन है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा, बिकॉज यहां पर ये जो बटन मिलता है ना आपको राउंड करके, ये सिर्फ बटन ही नहीं है, आप इसको इस तरह से रोटेट करके साउंड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लिकेबल भी है, सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल प्रेस करके नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके जो ANC फीचर्स है या फिर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसको आप स्विच कर सकते हैं। एंड दूसरे नेकबैंड में हम नॉर्मली बटन प्रेस करके साउंड को कम ज्यादा करते हैं, बट उसके मुकाबले ये जो फंक्शन है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये जो बटन है ना, जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आपको काफी अच्छा एक फीडबैक भी मिलता है, हल्का हल्का आवाज भी ये करता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड के मॉड्यूल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ आपको CMF का लोगो मिल जाता है। सारा जो बटन एंड पोर्ट्स है वो आपको राइट साइड के मॉड्यूल में मिल जाता है, अंदर के साइड में भी एक अलग से बटन दिया गया। इसको लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो नया कोई भी डिवाइस के साथ आप पेयर कर सकते। एंड जो मॉड्यूल है वो आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, मैट फिनिश डिजाइन का यहां पर यूज किया गया, बट ये जो ऊपर का राउंड जैसा बटन है ये आपको एल्युमिनियम का मिल जाता है। एंड नेकबैंड का ये जो पीछे कैसा है वो आपको काफी सॉफ्ट सा मिल जाता है, थोड़ा सा पतला है बट आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, फोल्ड करके आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसका जो वायर है ना वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहां पर लगा, हल्का सा एक पैटर्न का यूज किया गया, शायद आपको कैमरा में उतना नोटिस नहीं होगा, बट हां क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड देन अगर आप एयर प्लग को देखेंगे तो भाई एयर प्लग का जो डिजाइन है ना वो आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिल जाता है, अगर आप रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 या फिर वन प्लस बुलेट Z2 वगैरह के साथ कंपेयर करेंगे, वही सिमिलर सा डिजाइन है, वही सिमिलर सा साइज है। एंड डेफिनेटली जो कंफर्टेबिलिटी है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है, आप लंबे समय तक आराम से यूज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो मैग्नेट का क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, ऑटोमेटिकली भाई कभी भी ये डिटैच नहीं होगा जब तक आप दोनों को अलग नहीं करेंगे। एयर प्लग के पीछे के साइड में देखेंगे तो यहां पर जो CMF का लोगो है ना उसी के जैसा डिजाइन आपको मिल जाता है, एक में रिंग करके एंड दूसरा में रिंग फील करके। एंड जो एयर टिप का क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा मिल जाता है। एंड इसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप दोनों एयर प्लग को अलग करते हैं आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड जैसे आप दोनों को फिर से एक साथ में रख देते हैं तो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड जो कनेक्टिविटी टाइम है ना वो बहुत कम है, बहुत ही फास्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। और अगर आप म्यूजिक या फिर वीडियोस देख रहे थे उस टाइम पे दोनों को एक साथ में रख देते हैं तो वीडियोस या फिर जो म्यूजिक है वो पॉज तो हो जाता है, बट जैसे आप दोनों को फिर से अलग कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होता, आपको मैनुअली प्ले करना पड़ता है। और IP रेटिंग में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, बिकॉज फ्लिपकार्ट में एक जगह पे IP55 लिखा गया, दूसरे जगह पे IP54 लिखा गया, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली भाई क्या है। लेकिन जो भी है आपको डस्ट एंड स्वेट से थोड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, अगर आप यूज करते हैं स्वेट वगैरह लगता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओवरऑल जो डिजाइन है वो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा, स्पेशली ये जो मतलब राउंड सा बटन जैसा डिजाइन है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड साथ ही जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, जो कंफर्टेबिलिटी है वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली कैमरे के माइक, तो आप समझ सकते हैं कितना नॉइज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। एंड अभी हम इस सेम नेकबैंड प्रो में स्विच करके देखेंगे कि कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है। तो चलिए स्विच करते हैं। और अभी हमने स्विच कर लिया CMF नेकबैंड प्रो में, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पा रहा है। और हम आउटडोर में जाके इस तरह से हर वीडियो में टेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि जो माइक का क्वालिटी है या फिर जो नॉइस कैंसिलेशन है वो प्रैक्टिकली आपसे किस तरह का मिल जाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाए। So, आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी नेकबैंड प्रो में आपको मिल जाता है, 5 अलग अलग माइक का यूज करके, जो कि आपके वॉइस को क्लियरली अल्ट्रासाउंड में पहुंचाने में मदद करता है। एंड वो चीज इसमें नजर भी आता है, जिस लोकेशन पे हम जाके टेस्ट कर रहे थे वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा था, एंड उसको ये एकदम भी आइसोलेट कर दे रहा था। मैं जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड किया था, ताकि एक्चुअली पता चले कि नॉइज कैंसलेशन आपको किस तरह का मिल जाता है। सो डेफिनेटली कॉलिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नेकबैंड का कॉल क्वालिटी हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, एंड वो चीज इसमें भी नजर आता है। तो कॉलिंग पर्पस के लिए आप इसको 100% परचेस कर सकते हैं। एंड अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो 220 एमएएच के एक बैटरी का यहां पर यूज किया गया है। कंपनी के हिसाब से आप इसको विदाउट एएनसी 37 आवर्स यूज कर सकते हैं, विद एएनसी 23 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। जब ये मेरे पास आया था उस वक्त 100% इसमें चार्ज था, एंड अभी भी इसमें 40% चार्ज बचा हुआ है। मैंने पूरा समय एएनसी के साथ ही यूज किया है, एंड करीब 12-13 घंटे से ज्यादा मैंने इसको यूज कर लिया है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि विद एएनसी आपको 20 घंटे से ऊपर बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। एंड साथ में अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे ना, तो आप 18 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट एएनसी। तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहां पर मिल जाता है, और कनेक्टिविटी इसका बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका रूम में फोन रखा हुआ है, आप दूसरे रूम में जाकर यूज कर रहे हैं, या फिर बीच में 2-3 ऑब्स्टेकल्स है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है, साथ ही साथ गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप दोनों ईयर प्लग को अलग करते हैं, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाता है, आप वहीं से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका जो नथिंग एक्स एप्लीकेशन है, उसको भी वहीं से डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाता है। और ऐप के फीचर्स के बारे में बात करूं तो जैसे ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे सामने में आपको यहां पर जो स्पेशल ऑडियो इफेक्ट है वो आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके नीचे आपको बैटरी परसेंटेज यहां पर शो करता है। एंड इसके अलावा आपको यहां पर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, 4 अलग अलग इक्वलाइजर प्रीसेट आपको मिल जाता है, आप उसमें स्विच कर सकते हैं, या फिर कस्टम क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आप कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर इसका जो फंक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, डबल प्रेस में क्या चाहिए, ट्रिपल प्रेस में क्या चाहिए, प्रेस एंड होल्ड करके क्या चाहिए, आप सारा चीजें यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड जो चीज कस्टमाइज नहीं कर सकते वो भी यहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एंड देन अगर आप नॉइस कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है या फिर जो एएनसी मोड है आप उसमें स्विच कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हैं। एंड एएनसी के अंदर आपको यहां पर हाई, मिड, लो, एडेप्टिव 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप उसमें किसी में भी सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड देन अल्ट्रा बेस का ऑप्शन मिल जाता है, बेस का जो लेवल है आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। एंड देन अगर आप सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर जो गेमिंग मोड है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, देन डुअल कनेक्शन फीचर्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा फाइंड माई ईयरबड्स का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें प्ले करेंगे तो नेकबैंड से साउंड प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं कि नेकबैंड भाई कहां पर रखा हुआ है। एंड इन दोनों को ही मैंने जब ऐप के साथ कनेक्ट किया तो दोनों में ही इमीडिएटली एक फर्मवेयर का अपडेट आया था जिसमें बग्स फिक्स लिखा हुआ था, तो ये चीज देख के काफी अच्छा लगा। इसके अलावा डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, आप मल्टीपल डिवाइस एक साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, वो चाहे 2 मोबाइल हो या फिर एक लैपटॉप एक मोबाइल, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। एंड ये फीचर्स भी सीमलेसली काम करता हुआ मुझे दिखाई दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बारे में। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स है आज के दिन पे, हर कोई अपने ऑडियो प्रोडक्ट में एएनसी फीचर्स को यूज करना चाहता है, बिकॉज हर किसी को भाई शांति का जरूरत है, चाहे आप इंडोर में रहे या फिर आउटडोर में रहे। जैसे आप एएनसी मोड को ऑन कर देते हैं तो जो आसपास का नॉइस है वो बहुत कम आपके कान में पहुंचता है। एंड इसमें आपको अप टू 50 डीबी तक हाइब्रिड एएनसी का सपोर्ट मिल जाता है। हाइब्रिड एएनसी और नॉर्मल एएनसी में एक डिफरेंस होता है, हाइब्रिड एएनसी में जो माइक लगा हुआ रहता है ना वो आपके आसपास के नॉइस को सुनता है, एंड देन आपके कान में फिल्टर करके भेजता है ताकि आपको कम आवाज सुनाई दे। एंड सिमिलरली अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड में जाएंगे तो उस टाइम पे वही आवाज क्लियरली आपके कान में पहुंचाता है। तो हाइब्रिड एएनसी नॉर्मल एएनसी से एक्सपेंसिव फीचर्स होता है, एंड वो आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो एएनसी का क्वालिटी है वो भाई बहुत कमाल का आपको मिल जाता है। एंड इस प्राइस रेंज के किसी भी नेकबैंड में आपको इस तरह का खतरनाक सा क्वालिटी का एएनसी नहीं मिलेगा। मैं जब आउटडोर में जाके इसको यूज कर रहा था ना, तो भाई ऑलमोस्ट 80% जो नॉइज है वो कैंसिल कर दे रहा था। एंड इंडोर में तो अगर आपका रूम में फैन वगैरह चल रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा, अगर पास वाले रूम में भी टीवी वगैरह चल रहा है ना तब भी आपको उनका जो साउंड है वो बहुत कम सुनाई देगा। तो डेफिनेटली कमाल का क्वालिटी आपको मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, हल्का सा थोड़ा ज्यादा साउंड लग रहा था जो आसपास का एक्चुअल साउंड है उसके मुकाबले 10% के आसपास, बट बाकी सारा चीजें बहुत कमाल का आपको मिल जाता है। स्पेशली जो एएनसी का क्वालिटी है वो आपको नेक्स्ट लेवल का मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सीएमएफ नेकबैंड प्रो के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसके ईयर प्लग के अंदर 13.6 एमएम के कस्टम डायनामिक ड्राइवर का यूज किया गया। क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस कैसा मिलता है एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ से भी क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो लाउडनेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इनिशियली जो लाउडनेस है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, यानी कि जब मैं नॉर्मली घर में सुनता हूँ तो 40-50% साउंड में मैं अदर TWS या फिर नेकबैंड में सुनता हूँ, बट इसमें मुझे 60-70% वॉल्यूम में यूज करना पड़ रहा था। बाकी ANC का सपोर्ट है तो आउटडोर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से यूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करो क्वालिटी के बारे में, तो रिसेंटली मैंने इस बर्ड्स का रिव्यू किया था ना, इसमें मैंने कहा था कि जो साउंड क्वालिटी वो बहुत अमेजिंग नहीं है, आपको नॉर्मली मिल जाता है। बट इसका जो साउंड क्वालिटी वो मुझे बहुत कमाल का लगा, स्पेशली अगर आप एक बेस लवर है तो भाई जो बेस का क्वालिटी है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है, बहुत पंची बेस आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अल्ट्रा बेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप बेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इवन अगर आप बेस को बंद भी कर देना तब भी जो बेस है वो आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। तो बेस लवर के लिए भाई बहुत कमाल का नेकबैंड है। और ऐसा भी नहीं कि बेस ज्यादा है तो जो मिड्स है या फिर जो ट्रबल का पार्ट है वो आपको एकदम अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रबल टाइप का सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हो तो इक्वलाइजर सेटिंग्स के अंदर मोर ट्रबल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, उसको यूज कीजिए, जो ट्रबल का पार्ट है ना वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है। एंड वॉइस का भी एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करते हैं तो क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह का भी साउंड सुनना आपको पसंद है आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने मोस्टली टाइम पे बैलेंस मोड में यूज कर रहा था, मुझे बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिला है। एंड इसमें भी आपको स्पेशल ऑडियो का फंक्शन मिल जाता है, मतलब 3D लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस नेकबैंड में, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड ऐप के अंदर जाके जब आप उस ऑप्शन को ऑन करते हैं ना तो एनिमेशन देख के सच में लगता है कि भाई हाँ एक 3D लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। बट जैसे कि मैंने Realme Buds OLS 3 के रिव्यू में कहा था, वही सेम चीज मैं इसमें भी कहना चाहूंगा, जैसे आप स्पेशल ऑडियो मोड को ऑन करते हैं तो जो लाउडनेस है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एंड वो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस 3D इफेक्ट वाला एक्सपीरियंस एक्चुअली भाई नहीं मिलता है। अगर आपको वो एक्सपीरियंस लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा बोट निर्वाना 5-5 ANC जो नेकबैंड आया था उसमें भाई एक्चुअली उस तरह का एक्सपीरियंस मुझे मिला था, जो डॉल्बी ऑडियो वाला इफेक्ट था। बट जो साउंड क्वालिटी वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है, एंड अंडर 2000 रुपीज में डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ बट वन ऑफ द बेस्ट साउंड में डेफिनेटली कहूंगा जितना भी नेकबैंड मार्केट में अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप साउंड क्वालिटी के लिए इसको परचेस कर सकते हैं। एक्चुअली कितना मिली सेकेंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, एंड नॉर्मली जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो थोड़ा सा लेटेंसी फील हो रहा था। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग पर्पस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आधा घंटा एक घंटा दिन में गेम खेलते हैं तो आप आराम से खेल सकते हैं। बट अगर आप स्पेशली गेमिंग पर्पस के लिए परचेस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक लगेगा। तो इसलिए अगर आप एक प्रो गेमर है तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट कैजुअली आप खेल सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंक्लूजन का जरूरत है कि इस नेकबैंड को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। डेफिनेटली कमाल का नेकबैंड है जिस प्राइस में ये अवेलेबल है मार्केट में, सिर्फ 1799 रुपीज में, जो सारा फीचर्स ये नेकबैंड प्रोवाइड कर रहा है भाई ऑलमोस्ट कोई भी नेकबैंड आपको मार्केट में नहीं मिलेगा इतने सारे फीचर्स के साथ इतने कम प्राइस में। स्पेशली जो ANC का क्वालिटी है वो मुझे बहुत कमाल का लगा, बाकी कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड ये जो इनोवेटिव सा डिजाइन लॉन्च किया गया है ना वो भाई बहुत ज्यादा हैंडी है जब आप इस नेकबैंड को यूज करते हैं। साथ ही जो बिल्ड क्वालिटी है, जो वायर का क्वालिटी है, जो कंफर्टेबिलिटी है नेकबैंड का वो भी आपको बहुत कमाल का मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए इस नेकबैंड को परचेस करने के लिए, सिवाय अगर आप गेमिंग के लिए एक नेकबैंड ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। 3 अलग अलग कलर ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑरेंज कलर के साथ जा सकते हैं, मुझे पर्सनली बहुत कमाल का लगा, बट आपको जो भी पसंद है आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, सभी कलर का सेपरेट लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है, बट कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसके साथ आप कौन सा नेकबैंड का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो बहुत जल्द चैनल पर पोस्ट करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।